नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सिलोनी और आज मैं दोबारा आप सभी के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सिग्नल ऐप को कैसे यूज करना है और क्या क्या उसके अंदर जो फीचर्स है, व्हाट्सएप से अलग क्या क्या है, और जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन की जो बात हो रही है कि उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप से ज़्यादा बेटर हैं, जो कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है जिसके बाद आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप उतना सिक्योर नहीं रहा है जितना पहले था। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको सिग्नल ऐप को कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो अभी हम आ गए मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे सिग्नल ऐप इंस्टॉल करेंगे। तो ये सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर लिखा आएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। 36 MB का ऐप है, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका इंटरनेट की स्पीड होगी उस पर ही ये वेरी करेगा और आपका इंस्टॉल ये हो जाएगा। जैसे मेरा वाईफाई पे तो मेरी स्पीड ज़्यादा है तो ये थोड़ा जल्दी डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रहा है। आपको सिंपली इसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑप्शन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे टेक ए प्राइवेसी विद यू बाय योर सेल्फ इन एवरी मैसेज। तो इन्होंने प्राइवेसी के बारे में पहले ही बता रखा, जो कि हमारा व्हाट्सएप पे जो हमारी प्राइवेसी लीक हुई है जिसकी वजह से आज हमें सिग्नल इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो वही रीज़न है। इसके बाद हमारे पास कोई डाटा नहीं है क्योंकि हमने पहली बार इसको इंस्टॉल किया है, तो हम फिलहाल इसको कंटिन्यू कर देंगे। सिग्नल ऐप नीड्स एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज मैसेज मेक्स योर। तो ये आपको मैसेज जो है ये एक्सेस मांग रहा है कि आपके फ्रेंड्स को मैसेज भेजने के लिए, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद ये आपके कॉन्टैक्ट्स का डाटा लेगा, मैसेज फ़ोन वगैरह का डाटा लेगा। उसके बाद आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। तो इसके अंदर अभी आपका फ़ोन नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे एक कोड आया जिसको इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये आपका प्रोसेस होना शुरू हो गया है और ये आपका मैसेंजर इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आप अपनी DP लगा सकते हो और अपना नाम भी डाल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ से आप अपनी अगर DP चेंज करना चाहो तो यहाँ से गैलरी से आप चूज करके DP भी लगा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये अपनी DP यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी DP यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद हम इसको नीचे लिखा हुआ है जो सबसे अच्छी बात है इसमें, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है योर प्रोफाइल इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। योर प्रोफाइल अगर आपकी एनक्रिप्टेड है तो आपका जो डाटा है वो सारा का सारा सेफ है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपका ये आ गया कि आप यहाँ पे पिन जनरेट करना चाहते हो या आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हो। तो अभी हम यहाँ पे पिन जनरेट कर देते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे 4 वर्ड का पिन जनरेट किया लेकिन उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो अभी हम और कुछ पिन जनरेट करते हैं। तो अभी आपको जो सिंपल पिन है वो आप अगर जनरेट करना चाहोगे तो ये इसमें जनरेट नहीं होगा। तो ये अभी मैंने दूसरा पिन जनरेट कर दिया है। उसके बाद ये आपका इंस्टॉल हो गया, प्रोसेस होना शुरू हो गया, तो आपका पिन यहाँ पे कन्फर्म हो गया है। तो आप अभी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यूज एज डिफॉल्ट SMS ऐप, तो हम इसका एज डिफ़ॉल्ट SMS ऐप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उससे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। तो अभी हम इसको एज ए सिंपल व्हाट्सएप की तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली नीचे 2 लोगो दिख रहे हैं आपको। पहला तो है फोटो का, जिसके अंदर आप कैप्चर एंड एक्सेस टू योर फोटोज़ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से अपनी फोटोज़ वगैरह को ले सकते हो और भेज सकते हो। तो अभी हम यहाँ से अगर अपनी फोटो या वीडियो को लेना चाहे तो हम यहाँ से ले सकते हो। शायद यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हो इसकी। और उसके अलावा यहाँ से अगर आपको कुछ नाम है या कुछ आपको अपना स्टेटस लगाना है तो वो आप यहाँ से सर्च करके उस बंदे को मैसेज कर सकते हो, जो भी आपका फ्रेंड है जिसको भी आपको मैसेज करना है वो आप यहाँ से भेज सकते हो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ सेटिंग पे। यहाँ पे ये मेरा नाम आ गया है, ऊपर नंबर आ गया। उसके बाद नीचे SMS एंड MMS ऑफ कर रखे हैं मैंने, नोटिफिकेशन आप सभी को पता है। उसके बाद आते हैं आपका प्राइवेसी पे। प्राइवेसी पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपका स्क्रीन लॉक है, रजिस्ट्रेशन लॉक ऑफ है, हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद आपका स्क्रीन लॉक है, सिग्नल एक्सेस विद एंड्रॉइड स्क्रीन लॉक एंड फिंगरप्रिंट। तो अगर आप इसको एक्सेस दे दोगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट का लॉक है या जो मोबाइल का स्क्रीन लॉक है वो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन लॉक इनएक्टिविटी टाइम, जैसे आपका स्क्रीन लॉक है वो कितनी देर में आपका एक्टिव और इनएक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे वो भी आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने कोई टाइम नहीं डाल रखा। उसके बाद आता है स्क्रीन सिक्योरिटी। स्क्रीन सिक्योरिटी के अंदर है आपका ब्लॉक स्क्रीन शॉट्स इन रिसेंट लिस्ट एंड इन साइड द ऐप। आप यहां से स्क्रीनशॉट को भी ब्लॉक कर सकते हो, जैसे अगर आप अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। उसके बाद आता है इनकॉग्निटो कीबोर्ड, जैसे हमारा पैटर्न बन जाता है, हम जब कुछ लिखते हैं तो वो आपको सजेशन देने लग जाता है। अगर आप इनकॉग्निटो ऑन कर दोगे तो ये इनकॉग्निटो मोड में चला जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये ऑलवेज रिले कॉल्स थ्रू द सिग्नल सर्वर टू अवॉइड रिवेलिंग योर IP एड्रेस टू योर कॉन्टैक्ट। जैसे अगर आप इससे कॉल को रिले कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो IP एड्रेस है वो किसी का एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप इसके थ्रू किसी को फोन करोगे तो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद रीड रिसिप्ट है,
कि जैसे आप दूसरों के जो अगर जैसे रीड रिसिप्ट अगर ऑफ है तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके मैसेज किसने पढ़े हैं किसने नहीं पढ़े हैं। उसका टाइपिंग इंडिकेटर भी है, जैसे कोई आपको मैसेज कर रहा है तो वो शो कर रहा है तो वो शो नहीं करेगा उसके बाद। जैसे आप किसी को अगर मैसेज कर रहे हो तो आप नहीं देख पाओगे उसको अगर अगले बंदे ने अपना बंद कर रखा है। जनरेट लिंक प्रीव्यू, लिंक प्रीव्यू जनरेट करने के लिए भी है यहाँ पे कि वेबसाइट और मैसेज जो आपको भेजने तो आप उसका लिंक क्रिएट कर सकते हो। डिस्प्ले इंडिकेटर के बाद आता है सिग्नल पिन, तो जैसे मैंने अभी पिन चेंज किया वो है। उसके बाद पिन रिमाइंडर है और रजिस्ट्रेशन लॉक है, तो अभी के लिए हमने पिन रिमाइंडर ऑन कर रखा है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है हमारे इस नंबर के ऊपर लग जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी इतनी सिक्योरिटी काफ़ी है। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद अपीयरेंस है, तो आपकी यहाँ पे थीम वगैरह है, जो जो थीम आप सिलेक्ट करना चाहते हो जैसे व्हाट्सएप में है वो सेम रहेगा। उसके बाद चैट एंड मीडिया के जो ऑप्शंस हैं वो सारे आपके सेम रहेंगे, बस एक यहाँ पे नीचे जो इमोजी वगैरह है वो सब भी सेम ही रहेगा। इसके अंदर थोड़ी इमोजीज कम है लेकिन आप इमोजीज को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैट बैकअप, क्योंकि हम आजकल जब फ़ोन चेंज करते हैं तो हमारा चैट का जो बैकअप है वो हमारा कई बार रिस्टोर नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर क्या कर रखा है कि अगर आप अपना चैट का जो बैकअप है उसको रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसको टर्न ऑन कर देना है और आपकी जो सिंपल ये डिवाइस है इसके अंदर ही ये डाटा इंस्टॉल होगा और रिस्टोर होगा। उसके बाद जब आप दूसरे फ़ोन में इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसको यहाँ से फाइल को वहाँ सेंड करना है और उसके बाद आपको डाटा रिस्टोर कर लेना है। उसके बाद फिर आपका हम बैक आ जाते हैं दोबारा। उसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन है वो आता है स्टोरेज का। स्टोरेज के अंदर आपको ये बताता है कि आपने कितना कचरा अपने सिग्नल ऐप के अंदर यूज़ भर रखा है, कितने फोटोज़ कितने वीडियोज़ वगैरह वो सब यहाँ पे आपका दिखाएगा। रिव्यू स्टोरेज के अंदर आप जाके देख सकते हो कि स्टोरेज के ऊपर रिव्यू कर सकते हो कि क्या क्या आपका स्टोरेज है और आपने किसको अपना स्टोरेज मीडिया ऑडियो जो किसको ज़्यादा भेज रखे हैं, मीडिया चैट और जो भी है वो सब और सारा डाटा मिला के आपने किसको सबसे ज़्यादा भेज रखा है तो यहाँ पे आपके यूजर्स दिखा देगा। उसके बाद कीप मैसेज, यहाँ पे आपका जो है डाटा जो डिलीट होने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कीप मैसेज आपको कब तक रखने हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन है कि 1 महीना, 6 महीने, 1 साल। इसके अलावा कन्वर्जेशन लेंथ भी है इसमें कि आपको अगर अपनी कन्वर्जेशन लेंथ है वो कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कितने मैसेज के बाद आपके मैसेज डिलीट हो जाने शुरू होने चाहिए तो इसके अंदर वो सारा लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आता है क्लियर मैसेज हिस्ट्री। मैसेज हिस्ट्री को अगर आप क्लियर करना चाहो तो आपके सारे मैसेज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है लिंक डिवाइस। अभी तक आपकी कोई डिवाइस से लिंक नहीं है, अगर आप लिंक करना चाहते हो अपने लैपटॉप को तो ये सेम व्हाट्सएप की तरह इसका फीचर है, जो आप यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर लिंक करना चाहो तो आप स्कैन करके इसको व्हाट्सएप के ऊपर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डोनेट टू सिग्नल है और एडवांस है, क्योंकि अभी इसके अंदर ये सारे वो फीचर्स हैं जो मेरे को व्हाट्सएप से ज़्यादा सिक्योर लगे, तो अभी आगे जो अपग्रेड है वो आते रहेंगे। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उतना ही ज़्यादा इसका यूज और जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएंगी। और जो आपका एडवांस्ड है, एडवांस के अंदर आपका जो सिग्नल के मैसेज और कॉल के लिए जो आपका नंबर है वो, के अलावा आपका पिन और आपका कौन सा सिग्नल का वर्जन चल रहा है वो, और उसके बाद जब आप अगर अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम आपका नंबर मांगेगा और आपकी कंट्री सिलेक्ट करके आप यहां से अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को सारे स्टेप्स समझ आए होंगे कि कैसे कैसे सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे कैसे आपको सिग्नल ऐप को यूज़ करना है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।